हेलो गाइस, वेलकम टू आईटी स्मार्ट वर्ल्ड। कोरल ड्रॉ सीरीज का ये पार्ट 23 वीडियो है और आज हम इस वीडियो में ड्रॉप शैडो, कंटूर, ब्लेंड, डिस्ट्रॉय, एनवेलप, एक्सट्रूड, इन सभी ऑप्शन को डिटेल में कवर करेंगे। इनके प्रॉपर्टी बार के जो टूल होते हैं उनको भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर है ड्रॉप शैडो। ड्रॉप शैडोज की मदद से हम किसी भी शेप या किसी भी टेक्स्ट पर हम आसानी से एक शैडो इफेक्ट डाल सकते हैं। एग्जाम्पल, यहाँ पर हम रेक्टेंगल में कोई भी कलर करते हैं। यहाँ पर हमने एक सिंपल सा कलर कर लिया और अब अगर हम इसका शैडो चाहते हैं, इसका रेक्टेंगल का एक शैडो बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर हम ड्रॉप शैडो टूल लेंगे और एक लाइन इसके ऊपर हम खींचेंगे और जिस एंगल पे अगर हम ऊपर की तरफ लाइन ऐसे रखते हैं या ऐसे रखते हैं तो उसी साइड को इस तरह से शैडो जाएगी। बाकी हम बाद में इसको चेंज भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। शैडो जो पीछे यहाँ पर बन रही है, अगर आप इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो शैडो टूल में यहाँ पर ऊपर प्रॉपर्टी बार में आपको कलर मिल जाता है। आप किस कलर के शैडो चाहते हैं और इस तरह से यहाँ पर आप ये वर्क कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप कितना ट्रांसपेरेंट करना है, देखिए यहाँ पर ये हल्का हो गया। हम यहाँ पर कलर चेंज करते हैं शैडो का ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तो यहाँ पर हम इसकी ट्रांसपेरेंसी और कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, या आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये देखिए हमने ट्रांसपेरेंसी इसकी बढ़ा दी है तो ये हल्का हो गया और जैसे जैसे हम इसको आगे बढ़ाएंगे आप चेंजेस देख पा रहे होंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद यहाँ से आप उसको कितना ब्लर करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर ये ब्लर हो रही है, देखिए बहुत ही हल्की हल्की शैडो आ रही है, तो यहाँ से आप इसको आसानी से ब्लर कर पाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर शैडो आपको इनसाइड, मिडिल, आउटसाइड, तो अगर आप इनसाइड देते हैं तो यहाँ पर ये इनसाइड कुछ इस तरह का इफेक्ट आ रहा है, मिडिल तो ये बिल्कुल मिडिल में शैडो आ रही है, और बाकी आप इसको आप आसानी से एक एक करके खुद से चेंज करके देख सकते हैं, बेटर समझ में आएगा। तो ये तो हो गया शैडो। अगर आप शैडो नहीं चाहते, देखिए अभी शैडो है, अगर आप शैडो नहीं चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर क्लियर ड्रॉप शैडो पर क्लिक करेंगे तो शैडो आपकी जो होगी वो हट जाएगी। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर हम, और अगर हम इसका इस पर भी टेक्स्ट पर शैडो देना चाहते हैं तो सिंपली हम उसी तरीके से ड्रॉप शैडो टूल लेंगे और यहाँ पर एक लाइन खींच देंगे तो आप देखेंगे कि इसकी जो शैडो है वो आ रही है। शैडो अगर आप टेक्स्ट पर कुछ इस तरह से देते हैं तो ये एक अच्छा सा इफेक्ट यहाँ पर जनरेट होता है। बाकी आप शैडो में पीछे कोई भी रेड या कोई भी कलर दे सकते हैं जिससे एक अच्छा सा इफेक्ट यहाँ पर जनरेट हो जाता है कुछ इस तरीके से। तो ड्रॉप शैडो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगला ऑप्शन है यहाँ पर कंटूर। कंटूर से क्या होता है, यहाँ पर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाते हैं तो ये अभी जो हम करंट टाइम में बना रहे हैं ये एक स्क्वायर है, ध्यान रखना है ये हमने स्क्वायर बनाया है और अभी एक जो हमने बनाया है ये एक रेक्टेंगल बनाया है, ये देखिए। तो अगर मान लीजिए ये हमने जो स्क्वायर बनाया है इसके यहाँ से लेकर के और हमें कुछ इस तरह की लाइन चाहिए, एग्जाम्पल यहाँ पर हम डुप्लीकेट करते हैं, पहले तो आपको मैन्युअली करके दिखाते हैं, ये हमें कुछ इस तरह की यहाँ पर लाइनें चाहिए तो हम कंट्रोल डी करके ये भी एक काम कर सकते हैं या फिर यहाँ पर हम कंटूर ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर पाएंगे। तो उसी यही इफेक्ट डालता है। तो यहाँ पर हम कंटूर ऑप्शन को सेलेक्ट करके जैसे ही एक लाइन खींचेंगे तो आप देखेंगे एक नया ऑब्जेक्ट बन रहा है कुछ इस तरीके से और यहाँ पर अभी एक ही रेक्टेंगल आया है। अगर हम यहाँ पर रेक्टेंगल की संख्या बढ़ाते हैं यानी कंटूर स्टेप बढ़ाते हैं तो ये इस तरह से यहाँ पर बढ़ेंगे, आई थिंक समझ गए होंगे। अब ये अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ से यहाँ तक अगर इसको हम बैक करते हैं ये देखिए तो ये रेक्टेंगल ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएंगे कुछ इस तरीके से और बाकी हम जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे वो उस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर आप इसका जो डिस्टेंस है वो आप सेट कर सकते हैं, जो एक रेक्टेंगल से दूसरे रेक्टेंगल के बीच का डिस्टेंस है वो आप यहाँ से सेट कर पाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर आउटसाइड कंटूर से क्या होगा कि आपने जो ओरिजिनल यहाँ पर रेक्टेंगल बना रखा होगा, ओरिजिनल रेक्टेंगल के बाहर ये जो नए रेक्टेंगल बन रहे हैं वो उसके बाहर बनेंगे और यहाँ पर आप जो बना रहे हैं ये सेंटर में बनेंगे इनसाइड, और ये सॉरी यहाँ पर ये आपका बनेगा इनसाइड और यहाँ पर ये बनेगा आपका सेंटर। तो ये सेंटर पॉइंट कुछ इस तरीके से है और बाकी यहाँ पर ये आपका इनसाइड आउटसाइड, आई थिंक समझ गए होंगे। तो सेंटर में क्या होता है कि ये पूरा कंप्लीट एक इस तरह से ऑब्जेक्ट बना देता है और अगर आप इनसाइड या आउटसाइड सेट करते हैं तो ये कुछ ऐसा इफेक्ट जनरेट करके देगा। बाकी आप यहाँ से लाइनिंग का कलर भी सेट कर सकते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर बीच में ये येल्लो या जो भी कलर आप सेट करते हैं उसी कलर की यहाँ पर ब्राइटनेस कुछ इस तरीके से पड़ रही है। बाकी जो बैग देखिए यहाँ पर जो ये सेंटर में रेक्टेंगल है ये वाला, तो इसका जो कलर है वो आप यहाँ से सेट करेंगे और जो पीछे का यहाँ पर ये वाला आपकी लाइन है ये वाली जो ओरिजिनल रेक्टेंगल है उसका कलर आप यहाँ से राइट क्लिक करके कुछ इस तरीके से चेंज करेंगे, आई थिंक समझ गए होंगे, राइट क्लिक करके जैसा कि हम लाइनिंग का कलर चेंज करते हैं। तो ये कुछ कंटूर के ऑप्शन थे और बाकी यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से ऑब्जेक्ट और कलर सेट करते हैं, देखिए यहाँ पर हम इसको मूव करा रहे हैं तो आप इसका इफेक्ट देख पा रहे होंगे, कुछ ये ऐसा इफेक्ट बना रहा है। तो अगर ये सेंटर में होता है तो ऐसा होगा
कि ये इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जो रेक्टेंगल की दूरी होगी वो बिल्कुल सेम होगी। अगर आप इसको इस तरह से आगे बढ़ाते हैं तो ये देखेंगे यहाँ पर जो रेक्टेंगल हैं वो ज़्यादा घने हैं और बाद यहाँ पर जो है ये काफ़ी दूरी पर हैं, और अगर इसका अपोजिट रखते हैं तो ठीक वैसा ही यहाँ पर भी इफेक्ट जनरेट होगा। आई थिंक समझ के होंगे। अगर आप इसको अनलॉक कर देते हैं तो अनलॉक करने से क्या होगा कि ये आप अलग अलग मूव करा सकते हैं। अगर आप कलर को मूव कराएंगे तो कलर मूव होगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर आप सेंटर रखना चाहते हैं बट कलर को आप डायरेक्शन बदलना चाहते हैं तो ये बदल पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसी तरह से आप कंटूर नहीं मतलब इसको हटाना चाहते तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करके हटा भी सकते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है तब जब यहाँ पर ये रेक्टेंगल है मान लीजिए और इसके अंदर हमें एक डुप्लीकेट चाहिए, हम इसको क्या कर रहे हैं शिफ्ट के साथ में डुप्लीकेट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर गौर से देखेंगे कि यहाँ पर ये डिस्टेंस जो है ये बराबर नहीं है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस बराबर नहीं है। कंटूर ऑप्शन का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और एक यहाँ पर एक हम रेक्टेंगल इस तरह से बनाएंगे, इसके बीच में काफ़ी रेक्टेंगल आ गए हैं बट यहाँ से आप कम कर सकते हैं, हमें सिर्फ एक चाहिए तो यहाँ पर हम सिंपली वन टाइप करेंगे और ये सिर्फ एक रेक्टेंगल देगा, ये देखिए। और ये जो रेक्टेंगल आपका होगा ये बिल्कुल बराबर होगा, ये आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए बिल्कुल बराबर है आपका। डिस्टेंस आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह से, तो आप इसको हम जूम करके दिखाते हैं, ये देखिए दोनों का डिस्टेंस बिल्कुल सेम है। बाकी अगर आप ब्रेक करना चाहते हैं, ब्रेक मींस कि अगर आप दोनों रेक्टेंगल को अलग अलग करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर आप ब्रेक भी कर सकते हैं। ब्रेक करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट में जाना है और यहाँ से आपको ब्रेक करना है या शॉर्टकट की कंट्रोल के प्रेस करना है, तो ये ब्रेक हो जाएंगे। अगले नंबर पर है ब्लेंड टूल। ब्लेंड टूल क्या करता है, ये एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में कई सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्रोवाइड करता है, वो भी बिल्कुल एज इट इज़ नहीं बल्कि एक नए इफेक्ट के साथ में। जैसे यहाँ पर अगर हम एक सर्कल को इसके साथ मर्ज कराते हैं, हम यहाँ पर एक सर्कल लेते हैं और सर्कल से इसके बीच में यहाँ पर हम मर्ज कराते हैं, तो हमने ब्लेंड टूल ले लिया और यहाँ से और यहाँ तक अगर हम ब्लेंड टूल का इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ से ये सर्कल है और पीछे से यहाँ पर ये स्क्वायर है और दोनों के बीच में जो इसका कॉम्बिनेशन है वो मैच करता हुआ है। आई थिंक समझ गए होंगे। और अगर हम इस वाले सर्कल को, लास्ट वाले सर्कल को इस तरह से सेलेक्ट करके अगर मूव कराते हैं तो ये उसी एंगल पे ये जो ऑब्जेक्ट आपका है ये मूव होता रहेगा। अगर हम पीछे वाले रेक्टेंगल को मूव कराते हैं तो उसी टाइप से ये भी मूव होता रहेगा। बाकी ब्लेंड टूल का इस्तेमाल काफ़ी होता है अलग अलग तरह के डिज़ाइंस और लोगो बनाने में, और आने वाले वीडियोज़ में हम डिज़ाइंस बनाएंगे जिसमें ब्लेंड टूल का काफ़ी बेहतर तरीके से इस्तेमाल हुआ है। अभी तो सिर्फ बेसिक हम पढ़ रहे हैं ताकि जो ऑप्शन है उनके बारे में अच्छे से पता चले कि ये एक्चुअली करते क्या हैं। तो ये था ब्लेंड टूल। बाकी ब्लेंड टूल में यहाँ पर ऊपर प्रॉपर्टी में और भी कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे यहाँ पर आप इसको क्लॉकवाइज ब्लेंड करना चाहते हैं तो ये इस तरह से, यहाँ पर अभी इसका कोई इफेक्ट आपको नहीं दिखाई दे रहा है बट जब इसमें कलर वगैरह सब हर चीज़ होगी तो यहाँ पर आपको इसका इफेक्ट अच्छे से दिखाई देगा। बाकी हम ब्लेंड टूल को और भी डिटेल में अच्छे से आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे प्रैक्टिकल के साथ में, यानी हम लोगो वगैरह बनाएंगे तब देखेंगे इसको हम डिटेल में। अगला है डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय से क्या होता है कि आप किसी भी रेक्टेंगल या किसी भी शेप को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी एंगल पे कैसा भी, यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं डिस्ट्रॉय कैसे करना है, आप इसको इस तरह से रोटेट करना चाहते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये डिस्ट्रॉय हो रहा है, कुछ ऐसा शेप बन रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर खुद से ट्राई करके कर सकते हैं, आसानी से समझ में आ जाएंगी। यहाँ से आप कम ज़्यादा करके चेक कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर बीच में क्या हो रहा है, इसे आप अपोजिट साइड में रोटेट कर सकते हैं, ये देखिए। बाकी यहाँ से आप न्यू लेकर के, जब न्यू लेंगे तो ये वापस से नए सिरे से डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएगा कुछ इस टाइप से, तो ये सारी चीज़ें आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर एक इस तरह की डिज़ाइन तैयार हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर अगले नंबर पर है एनवेलप। एनवेलप से इसको भी, ये भी डिस्ट्रॉय ही करता है, बस ये थोड़ा सा नोड से इस तरह से हम अलग अलग नोड को पकड़ के कहीं भी किसी भी नोड को रख सकते हैं। ये वही ऑप्शन आ रहे हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं शेप टूल में, जैसे यहाँ पर शेप टूल में जो ऑप्शन आ रहे हैं वही सेम ऑप्शन यहाँ पर आपके मिल रहे हैं। तो ये एनवेलप समझ में आ चुका होगा, ज़्यादा कोई खास इसका यूज़ नहीं है। अगले नंबर पर है एक्सट्रूड। एक्सट्रूड का वैसे तो इस्तेमाल हम देख चुके हैं। एक्सट्रूड से क्या होता है कि आप इसमें 3D इफेक्ट जनरेट कर सकते हैं। एक्सट्रूड इसको हमने जब मॉर्टिन बनाई थी, कॉयल बनाई थी, तो वहाँ पर हमने इसका यूज़ देखा था एक्सट्रूड में। यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड में, जो भी रखना चाहें कुछ इस तरीके से, और बाकी यहाँ पर आप साइनिंग जैसी देना चाहें, जैसे इस कलर की साइनिंग देनी है, और यहाँ से आप इसको रोटेट कर सकते हैं या किसी भी एंगल पर, तो इस तरह से आप यहाँ पर एक 3D इफेक्ट जनरेट कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। तो यही है एक्सट्रूड। बाकी इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं अच्छे से, इनका हमने एग्जांपल भी देखा है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम ट्रांसपेरेंसी टूल और कलर आई ड्रॉपर, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे।
तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।